Arshad, Arshad, aage diyo. मेरा सवाल है तुम्हारे से, तुम्हारी बेटी के साथ अगर छोटी बच्ची के साथ जो रेप हुआ, तुम्हारी बेटी के साथ रेप होता तो क्या तुम बर्दाश्त करते? वो रेपिस्ट फरार हो गया, वो रेपिस्ट रिहा हो गया, तुम उसके बेल के कैंसिलेशन के लिए क्या करे? एक छोटी बच्ची के बाप को डरा कर सबने देखा, दुनिया ने देखा मुसलमानों के एक बच्ची के यहाँ से मुतालबा करता हूँ, मैं वो नौत करता तो घर बनाया सरस्वती गणेश का, इंशाल्लाह अगर मैं मुंतखब हो गया तो सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी के यहाँ से इंशाल्लाह मैं अपील करूंगा। ये पैसे, ये दौलत, ये पैसे कहाँ से आ गए मुसलमानों? बेगम मंजिल में किराए से रहने वाले, बेगम मंजिल में किराए से रहने वाले असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी आरटीसी बस में हैदराबाद पब्लिक स्कूल को जाने वाले, इनके पास हजारों करोड़ की दौलत कहां से आ गई मेरे भाइयों? इन लोगों ने, आपको सबको मालूम है, इन लोगों ने चोली मस्जिद के पास, मैं जवाब चाहता हूं असदुद्दीन अवैसी, तुम जवाब दो, ये विंटेज पैलेस किसका है? ये विंटेज पैलेस चोली मस्जिद का नहीं है क्या? ये क्राउन पैलेस किसका है? ये महबूब प्राइड फंक्शन हॉल? मेरे भाइयों, तुमको लूटा जा रहा है मजहब के नाम पर, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आया तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए, मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, आप लोगों को इंकलाब लाना पड़ेगा। 35 केवी पे चेन डाले, लोकल नहीं, मेन सब्जेक्ट पे चेन डाले, भाइयों,
को सुनिए भाई, मेरे भाइयों आप लोगों के बच्चों को, आप लोगों का बच्चों का मुस्तकबिल राउडिज्म में नहीं है मेरे भाइयों। इन लोगों ने हमारे जिंदगियों को तबाह किया, हमारे घरों को मुसलमानों के घरों में फूट डलवाई, ये सबको मालूम है। ये पैसा, ये दौलत जो ना इन लोगों ने इस दौलत से, आपको सबको मालूम है, इन्हें तकरीरों में बोल रहे हैं कि हमारे पास हाकर था अखबार डालने वाला कौशल मोहिद्दीन, इसके पास 40 ग्राम कहाँ से आ गए बताएं। मैं आज से यह सवाल करने के लिए आया तो इन लोगों ने आपके पास जिस तरह से 7-7 से जमा रखे आए, ये सवाल को रोकने जाप के ये इब्राहिम, इब्राहिम बाजू कोड़ा जाओ। पूरे मासूम बच्चे घरों में बीमार है, उनकी परवाह नहीं करे, इनका यही तरीका है। अब मैं आपको एक गुजर करता हूँ, अभी एमडी लाइन के चंद एमडी लाइन के हमारे नौजवान जो है, हमारे उस्मान भाई की जो है कुर्बानी करना चाह रहे हैं। आपको हक को सुनना है इंशाल्लाह, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का इंशाल्लाह। हक इकबाल हटाओ भैया, हटाओ अयमन, अयमन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो इधर उधर की बात न कर, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की बात न कर दीपा शाह, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे उस्ताद मोहतरम, मोहतरम जनाब सैयद अजीज पाशा साहब, सादका एमपी जनाब मोहम्मद उस्मान शहीद साहब, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट, मेरे भाई अंजर अली खान साहब जो यहाँ के शेर हो आपके, इनकी मदद से अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम ये जंग, ये मजलूमों की जंग जीतने के लिए इंशाल्लाह कोशा है। मैं तमाम नौजवान जो ये लाइट जाने के बावजूद मेरे बहने भी इंतजार किए, सबर किए, मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। भाइयों बात ये लाइट क्यों बुझाई गई मालूम है ना, 7 साल से
60 साल से मुसलसिल अंधेरे में रखा गया, 60 साल से एक खानदान मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल करते हुए, मुसलमानों के जज्बात का फायदा उठाते हुए जज्बाती तकारीर करके अपने माल और दौलत को, अपने असासजात को मजबूत से मजबूत तर करते गए। और मेरी कौम, जो इस कौम, इस मुल्क की हुक्मरान कौम थी, ये मुल्क की हालत, ये कौम की हालत ये हो गई कि आज हमारे पास भूख है, आज हमारे पास बेरोजगारी है, आज हमारी बहनों का ये आलम है कि मेरी बहने भूख के पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी इस्मतों का सौदा कर रही है। क्या ये गलत है मेरे भाइयों? मैं नौजवानों से, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बेरोजगारी का मसला हमारे एमपी साहब के घर में क्यों नहीं है? भूखमरी उनके घर में नहीं है क्यों? शादियों का मसला उनके घर में क्यों नहीं है मेरे भाइयों? उनकी बेटी का रसम हो रहा तो 6.5 करोड़ रुपए का रसम हो रहा मेरे भाइयों। एक बेटी के रसम पे 6.5 करोड़, दो बेटियों के रसम पे 13 करोड़। अगर ये रकम हलाल की थी या हराम की है अल्लाह को मालूम है। अगर कौम के हमदर्द होते तो ये रकम को 13,000 मुस्लिम बच्चियों की शादी का इंतजाम हो सकता था। क्या ये गलत है? आज मेरे कौम को, मुझे मालूम हुआ कि हम लोगों को ये गरीब, मैं भी भाई तीनों के घर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फखर से बोलता हूँ, जान दे सकता हूँ असदुद्दीन अवैसी के लिए भी जान दे सकता मैं। ये अखबार डालने वाले भाई कभी मेरे सामने बैठ के बात नहीं करे। मैं इज्जत करता हूँ, मैं एहतराम करता हूँ मेरे भाइयों का, सबका। मेरा इख्तलाफ अखबार डालने वाले भाई से नहीं है, मेरा इख्तलाफ उनसे है जो ऐसे कई लोगों को, जो अपने जमीनों को बेच चुके हैं। अभी बोल रहे हैं कि राजेंद्र नगर से हमने एक ड्राइवर को दे दिया, एहसान किया, उसके पास कई एकड़ जमीन खरीद लिया। ड्राइवर जो ड्राइवर बता रहे हैं, ये साहब आप सब जानते हैं कि कौन से गांव के हैं, इनके पास इतने मकानात कहां से आ गए? क्या ये मेरा सवाल करना नाजायज है? क्या मैं आप लोगों के दरमियान आकर जमहूरियत की बखा के लिए, दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए मैं आपके दरमियान आया हूं तो मेरा आना गलत है? मेरे लिए लाठियों की तैयारी है, मेरे लिए पत्थरों की तैयारी है। अरे बरसा लो, जितने चाहे बरसा लो, हम अल्लाह के फजल से ये वो इनकलाबी नौजवान है कि आपने 2007 में भी दीगर कुंटे पे कातिलाना हमला किया था मुझ पर, और मैं कभी पीठ नहीं दिखाया, मैं लड़ते लड़ते मेरे चेहरे पे फ्रैक्चर आ गया। असदुद्दीन अवैसी, बताइए मेरा इख्तराफ क्या है तुम्हारे से? तुम बोलिए, मैं तुम्हारा जानिसार था या नहीं था? क्यों मेरे साथ मेरे भतीजा भी जख्मी हो गया था? क्या हमारा कसूर था? क्यों मस्जिद करोड़गिरी का सौदा हुआ? क्या आपने मेरे घर में मस्जिद करोड़गिरी की कमेटी नहीं बनाने लगाई? आप मेरे घर में आकर मुझे ये एश्योरेंस नहीं दिए थे कि वो गरीब मुसलमानों को आबाद कर देंगे जो बेघर है, जो किराया नहीं दे सकते? बताइए, विंटेज पैलेस जहां बचा हुआ बसा हुआ है असदुद्दीन अवैसी, आप ऐलान कीजिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं? 2016 में आपने अपने हाथों से विंटेज पैलेस का इफ्तिताह किए या नहीं किए? ये कहां से किसका है विंटेज पैलेस, ऐलान कीजिए। और ये किंग पैलेस भी देखे होंगे, कब्रिस्तान था ना भाई, गुडी मंगापुर का, कितने बड़े बड़े कुबर थे। अरे मेरे ऊपर इजाजत लगाते, मेरे घर में ले लो, टीन के है भाई, प्रॉब्लम तो तुम्हारा होगा प्यारे, गर्म पानी ठंडे पानी के स्विमिंग पूल है ना भाई, ये तो हो जाएगी। सुन लो, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हजारों, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हजारों,
اب شوق شہادت ہے تو قاتل نہیں ملتا. کیا آئیے میرے ساتھیوں کو کچھ مت کیجیے خدا را, تم نے قتل کرایا, تم نے اویس کا قتل کیا, تم نے کروایا, تم نے صرف اس کا قصور یہ تھا کہ تمہاری جماعت چھوڑ کر وہ ہندوستان سے 2014 میں ملا تو اس کے یہی روڈ پہ سب کو معلوم ہے اس کے گردے پھاڑ دیے اس کے. کیا ظلم ہے یہ میرے بھائی جو, یہ جمہوری ملک ہے. میرے گھر کے سامنے کل یہ اخبار بیچنے والے صاحب میرے گھر کے سامنے سے گئے, بولا جانے تو جمہوریت ہے کوئی بات نہیں. اور دوسرا اور واقعہ آپ کو معلوم ہے, عبد الرزاق ضیاء ٹھیکر کے بازو ایک فیروز خان کا صرف بینر لگایا, ایسا بینر لگایا تھا بھائی تو اس کا بھیجا نکال دیے مار کے. بھائی کیا یہ انسانیت ہے؟ اسلام یہ درس دیتا کیا؟ اگر میں یہ بولنے آیا تو میں خارج ہے اسلام. ارے بھائی تم سب کے سامنے ہے, قبرستان چوکھنڈی تم سے کوئی دور نہیں ہے. یہ افسر خان مرحوم, یہ نام پلی کا جو ایم ایل اے ہے جعفر حسین میرج جو اس وقت ڈپٹی میئر تھا 20 اپریل 2011, یاد رکھ لو مسلمانوں, انہوں نے ان بزرگان دین کے جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ساتھیاں تھے ان کے قبور کو مٹانے کے لیے دوسر سے چلے قبریں مٹاتے آ رہی تھی. اس وقت عثمان بن حاجری آیا, میرے مرحوم میرے بڑے بھائی کی طرح جو تھے قائد تھے اوقاف کے جناب عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم لوگ کرم الدین شکیل ایڈوکیٹ ہمارے بھتیجے ہمارے ساتھی آ کر وہاں سے بتائے ان لوگوں کو. پھر رات میں بےچارے بیپا شاہ پھر آئے وہاں پر. بیپا شاہ بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, بیپا شاہ بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, حقیقت میں بیپا شاہ بنکر ہے. 20 اپریل 2011 کو رات میں 12:30 سے پھر دوبارہ کام اسٹارٹ کر دیے. قبرستان چوکھنڈی سب آپ کے قریب ہے, یاد رکھو ووٹ دینے سے پہلے یاد رکھو مرحومین کے وہ شہدا کے قبروں کو جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ساتھیاں تھے اس کو مٹا کر دو روڈیں ڈالی گئی یا نہیں گئی, اس کے خلاف جب ہم احتجاج کرے رات میں سارے بارہ تو یہ لوگوں نے اس وقت, میں سلام کرتا ہوں میرے شنکر ریڈی ایس پی صاحب کو جو بنجارا ہلز کے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا عثمان تم جاؤ پولیس سے ہائی کورٹ سے آرڈر لو, ریٹ پٹیشن ڈالو اوقاف کے خلاف. میں ان کی بات سن کے چلا گیا, بولے اگر بے صاحب میرے کو اریسٹ کر لو صاحب بولا میں, بھائی تم اگر اریسٹ کر لیں گے میں بھی دیکھ رہا ہوں عثمان یا خبریں ہڈے بھی کر رہے ہیں عثمان, تم جاؤ عثمان میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, تم کو اگر اریسٹ کرنے میں قید میں تم اریسٹ ہے, پولیس کے گھیرے میں تھا میں اس وقت. تو اس وقت کیا کرے شنکر ریڈی صاحب میرے پر احسان کرے شنکر ریڈی صاحب جب میرے کو بھیج دیے وہاں سے تو ان کے مفر جو پالک رہے جس میں اخبار والے بھی تھے جو اخبار بیچنے والے تھے انہوں بھی مل کے کیا کرے ایک 60-70 لوگوں کو گاڑیوں پر بھیج کر رات میں 1:25 کے ان لوگوں نے معصوم پولیس والوں پر حملہ کیا, دور سے گھر کے اسٹون پینٹنگ کیے. میں جب منصف اخبار میں پہنچ کر خبر دکھ رہا تھا کہ یہ لوگ بیٹھ کے ایم ایل اے ایم ایل سی ڈپٹی میئر بیٹھ کے خبروں کو توڑ رہے ہیں, میں لکھ رہا تھا اس وقت یہاں کے گولکنڈہ کے انسپیکٹر چندر شیکھر ریڈی صاحب کا فون آیا, بولے کہ عثمان میں بولا ساتھ منصف میں ہوں, بولے نہیں تم یہاں پولیس پہ حملہ کر رہے ہیں, بولے نہیں صاحب میں یہاں ہوں, بولے اس وقت کے جو ڈی سی پی صاحب بلا رہے ہیں تمہارے کو, میں بولا صاحب یہ میرے کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ, وہ کئی پولیس والے اس میں زخمی ہو گئے 20 اپریل 2011 کو. اور اس کے بعد سنیے میں نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے 26 اپریل 2011 کو میں نے ہائی کورٹ سے وہ روڈوں کا کام رکایا, عثمان الحاجری اس میں پلینٹیف ہے, اس میں عثمان الحاجری درخواست گزار ہے, میری درخواست پر
हाई कोर्ट ने उस काम को स्टे कर दिया था। उसके बाद याद रखिए मुझे इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, कई पुलिस वाले जिसमें जख्मी हो गए, मासूम साहबी जर्नलिस्ट जख्मी हो गए, रास्ता चलने वाले जख्मी हो गए, मुसलसिल कई पत्थर उनके ऊपर करके 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उसमें उस्मान अल हाजरी को फंसा कर उस्मान का इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। लेकिन सुनिए अल्लाह का क्या कानून है, देखिए वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। याद रखो 20 अप्रैल को इन्होंने 20 अप्रैल को वो औरंगजेब रहमतुल्लाह के शोला के खबरों को तोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कैसा किया, मेरी तलाश में पुलिस बुलवाए हुए थे, मेरे घर पर पुलिस का पहरा बिठा दिए थे। मैं सलाम करता हूँ जनाब सैयद अजीज पाशा साहब को, जनाब सैयदुद्दीन अली खान साहब को। इन लोगों ने जाकर होम मिनिस्टर सोहत के जो सविता इंदिरा रेड्डी थे उनके घर जाकर मेरे घर से पुलिस का टिकट हटाए, मेरे बच्चों को, मकबूर को, हर हमारे साथियों को, इनायत को, हर आदमी को पुलिस परेशान कर रही थी। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। याद रखो इन लोगों ने 20 अप्रैल को खबरों का थोड़ा चौदह के अल्लाह ने 30 अप्रैल को, याद रखो 10 दिन के बाद 30 अप्रैल को अल्लाह ताला ने ये सब कारनामा जो हुआ अकबरुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हुआ था। याद रखो जो कुबर को तोड़कर रोड बनाई गई, आदित्य बिल्डर को रास्ता नहीं था, आदित्य बिल्डर के साथ मामलेदारी करके दो फ्लोर उसके और 30 मंजिला बिल्डिंग के अकबरुद्दीन अवैसी सौदा करे, करने के बाद जब मैं हेताज करा मेरे को मरवाने की कोशिश करे, अल्लाह ने मैं भागा हुआ था, मैं भागता भागता फिर रहा था पुलिस चौ तरफ से मेरे को परेशान करने के लिए, मेरी तलाश में थी पुलिस। लेकिन अल्लाह के फजल से भागते भागते हुए मैं हाईकोर्ट से स्टे लिया। अल्लाह ने इनके साथ क्या किया, एक दिन पहले मैं एर्राकुंटे के घर में था, एक दिन पहले मैं एर्राकुंटे के घर में था तो वहाँ पर टास्क फोर्स का रेड हुआ। उसी वक्त वहाँ में मुझे मेरे चाहने वालों ने इत्तला दी, उस्मान भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारे वास्ते पुलिस आ गई। तो अल्लाह का फजल है मैं निकल गया। 29 अप्रैल के दिन था वो, 29 अप्रैल की रात को वहाँ से गया मैं कारवान में आके फजर पढ़ के सो गया। तो अल्लाह का फजल यह हुआ कि जब 30 अप्रैल हुआ, 30 अप्रैल के दिन याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के फजल से अल्लाह की इनके ऊपर ऐसी मार पड़ी कि मोहम्मद बरान के हाथों अल्लाह इनको धूल चटा दिया। इसी के बाद से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह मुझे हलाक कर दे, अल्लाह मेरी नस्ल को हलाक कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। नौजवानों तुम्हारे जज्बात, ये इनके जज्बात की तकरीर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह सुबहान तआला का इरशाद है, अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे वला तसब्बु अल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बु अल्लाह अदवन बिगैरिहिम। तुम उनके देवी देवताओं को, माबूदों को आप बुरा मत कहो, वो जहालत में तुम्हारे सच्चे अल्लाह को बुरा कहेंगे। सूरह नाम की 108वीं आयत में अल्लाह ने हमको हुक्म दिया, ये बदमाश, ये बीपाशा, ये जाकर निर्मल आदिलाबाद अनंतपुर में वहां जाके किस तरह से गाली गलौज करा भगवानों को उनके। भाई क्या इस्लाम में कोई भी इसकी तकरीर से एक भी मुसलमान बना, क्या बोल रहा है? आपसे सवाल करने आया हूँ, मुझे ये रोकने के लिए ये ऐसे अधेरों में आपको रखना चाह रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये इसके बाद इन्होंने जो जो कारनामे किए, ये 15 मिनट छोड़ दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को काट देंगे। मैं यहाँ पर आपकी अक्सरियत मेरे भाइयों की है, आपसे सवाल करता हूँ मेरे भाइयों, क्या वो 25 करोड़ में से जो आप भाई हैं मेरे, इसकी बात पर किसी हिंदू का खतर करेंगे क्या? इसने उस वक्त बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी हमेशा नारा लगाती थी कि गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन वो नहीं हो सके। इसने चाल चलकर इसने बीजेपी से मैच फिक्सिंग करके ये लोग हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिए। कौशल्या बता कहाँ कहाँ पैदा करे उनके कौशल्या को, और श्री राम कहाँ कहाँ पैदा हुए ये उसने, इसकी बातों से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इसके ये बातों से कोई भी एक भी आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ क्या? उल्टा ये लोग मुसलमान और हिंदुओं की जो गंगा जमुना तहजीब थी, इस तहजीब को मिटा दिए। आज
जो मॉब लिंचिंग हो रही है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान सुन लो, ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जो जिंदा जला दिया जा रहा है, जो जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को, ये इसकी जहरीली तकरीरों की वजह से इन सब मकतूलों का खून मेरे भाइयों ये अकबरुद्दीन अवैसी के सर जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये गुस्ताख रसूल है, याद रखो मुसलमानों, आपको बताना चाह रहा हूँ ये गुस्ताख रसूल कैसा है। जब मोहम्मद पहलवान के पास इसको मारा गया तो इसने मक्का मस्जिद में ठहर के ऐलान किया, याद रखो मुसलमानों, आप लोग याद रखो, इसने ऐलान किया जब इसको मारा जा रहा था, जीप में डाला जा रहा था, इसने कहा वल्लाह मैं होश में था, वल्लाह मैं होश में था, मक्का मस्जिद के मिंबर के दामन में ठहर कर मैं ऐलान कर रहा हूँ, जब मुझे मारा जा रहा था, जीप में डाला जा रहा था, तो एक सफेद पोश नूरानी चेहरा मेरे आके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों ये क्या गुस्ताखी नहीं है? मेरा सवाल है आप लोगों से, मरने के बाद जब हमको दफन किया जाएगा हमारे से तीन सवाल आगे जाएंगे, मन रब का बता तेरा रब कौन है, मैं दीन का बता तेरा दीन क्या है, मन नबी का बता तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर हम मुत्तबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो भाइयों हम फौरी पहचानेंगे मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ ठहर कर जिस तरह से गुस्ताखी की ये उसके बाद और गुस्ताखी किया वली अल्लाह की शान में। मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरे नौजवानों, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मेरे दानिश्वर नौजवानों, आपसे मेरा सवाल है, आप लोग बेदार होइए। इसको जब केयर हॉस्पिटल अवैसी हॉस्पिटल से केयर ले जाया जा रहा था, इसके मैंने देखा, मैं वल्लाह मैंने देखा, आप लोगों ने नहीं देखा, कि इसके आँखों पे सफ़ेद धुई के धब्बे लगे हुए थे, वहाँ पे ऐलान कर रहा कि वल्लाह मैंने अपने आँखों से देखा कि पीराने पीर खड़े हैं, गौसुल आजम खड़े हैं रहमतुल्लाह अलैह, राजा बंदे नवाज खड़े हैं, गरीबुल नवाज खड़े हैं, सालार है कि उनके पैर पकड़ के बगैर मेरे बच्चे की थी, ये क्या है भाई? मैं आपसे सवाल करता हूँ मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के शहजादे नौजवानों के सरदार का सर खत्म करके लेजर पर उठा कर नाचते रहे खातिरी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गए? क्या मेरा सवाल है, हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन तक भूखा रख के मुसलमान खारिजियों ने उनको तीन शहीद कर दिया, 3 दिन तक उनका लाश पड़ा हुआ रहा, मेरे भाइयों क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए का? मैं सवाल करता हूँ आप तमाम लोगों से, ये जज्बात की लड़ाई नहीं है, ये जज्बात की लड़ाई नहीं है, ये गरीब और गरीब हिंदू गरीब मुसलमान की लड़ाई है, गरीबों का मजहब अलग हो गया, अमीरों का मजहब अलग हो गया, अल्लाह के लिए आप लोग बेदार हो जाइए मेरे भाइयों, आप लोग मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं जान दे सकता हूँ आप लोगों को, मैं जान दे सकता हूँ, आप लोग इनकलाब लाना है, याद रखिए आप लोगों को इनकलाब लाना है, ये खानदानी सियासत के खिलाफ, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वालों के खिलाफ, आपको ये क्या लाल दरवाजे को हरा दरवाजा बनाने की बात से कोई भी मुसलमान के करीब हिंदू हुआ क्या मेरे भाइयों? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तजा करता हूँ कि खुदारा इसके बातों में मत आइए, वरना हमारा मुल्क बर्मा का बनने के करीब है। जिंदाबाद भाइयों, ये बोल रहा कि शिलान्यास करे राजीव गांधी, ये कब हुई भाई? 88 में हुई शिलान्यास, 88 में हुई, 98 से बाबरी मस्जिद 92 में की शहीद हुई, 98 से 2014 तक ये यूपीए के अलायंस में थे या नहीं थे मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो फिर भाई जब बाबरी मस्जिद याद नहीं आई, शिलान्यास याद नहीं आई, ये कहाँ मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है? मेरे भाइयों इनके बाप भी सौदा कर रहे थे बाबरी मस्जिद का, ये बात है कि तुम कितनी भी कसम खा लो, मैं मेरा यकीन है तुम लोगों ने याद रखो, जो आईबीस पे नमाज पढ़े थे मुसलमान नौजवान, वो मुसलमान नौजवानों को नमाज पढ़े थे, सिर्फ नमाज पढ़ने की बुनियाद पर डाडा में डाला गया था,
5 minutes. जो लोग हैबिट से नमाज पढ़े मजलिस का उससे कोई ताल्लुक नहीं, बताइए नमाज पढ़ने वालों का मजलिस से ताल्लुक नहीं तो फिर इन लोगों का मजलिस से ताल्लुक है क्या? ये माल उठा के थर्रा मार के सो जाने वालों का मुसलमानों से ताल्लुक है क्या? मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, ये देश को बचाने की जंग है, ये दस्तूर को बचाने की जंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जंग है, इसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। मैं इंडियन आर्मी का ट्रेनर हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक हमारी आर्मी वहाँ पर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रही है, आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाइए। मैं अंदर के दुश्मनों से, अंदर के दुश्मनों के सफाई के लिए आज और याद रखिए ये जान देने की जंग है। मैं अपनी जान आपके लिए, ये कौम के लिए मेरी जान देने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ। अल्लाह ताला मुझे आपको समझ दे, तौफीक दे कि ये बेरोजगारियों को, मेरे भाई मेरे घरों में, ये आप बताइए आपके इलाके में कहीं कोई फ्री मेडिकल क्लिनिक है क्या? महल्ला क्लिनिक लामा अगर आप मौका देंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आपके इलाके में इंशाल्लाह ताला अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी खिदमत करूंगा कर सकता हूँ तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको फ्री एजुकेशन इंशाल्लाह ताला आपके लोगों को शामिल कर दिया। मेरे भाइयों एक मिनट बचा है ये प्लीज ये मच्छर जो परेशान है पूरा टोली चौकी, मशहूर है कि टोली चौकी में मच्छरों की परेशानी की वजह से ये लाइन ग्राइविंग करते करते इन लोगों ने मच्छर का इतना कोई भी ये मच्छरों का जो दवा आती वो भी खा जाते। आज से गुजारिश कर रहा हूँ वो मच्छरों को और इंसानों का खून पीने वाले मच्छरों को, ये मच्छरों को भी साफ करने के लिए आप इंकलाब कर सकते। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास, बराबर आऊंगा। तुम पत्थर मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। 7 तारीख के दिन आप लोगों से गुजारिश है, 7 तारीख के दिन आप भारत के निशान पर वोट लगाइए, आप बटन दबाइए, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलो आगे जाओ यार, कौन